पाठ पांच। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक छोटा सा स्टेशन था। कोई कोई गाड़ी ही वहां रुकती थी। दूर से सीटी की आवाज सुनाई दे रही थी। स्टेशन मास्टर हाथ में लालटेन लिए कमरे से बाहर आए। तभी छुक 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 करती गाड़ी स्टेशन पर आ रुकी। मनमोहन हाथ में सूटकेस लिए डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा था। उसने आवाज लगाई, कूली कूली। इधर उधर देखा पर वहां कोई कूली न था। छोटा सा स्टेशन होने के कारण गाड़ी यहां दो मिनट रुकती थी। तभी गार्ड ने हरी झंडी दिखाई। वह जल्दी से नीचे उतरा। इतने में गाड़ी चल पड़ी। उसने फिर आवाज दी, कुली कुली। स्टेशन मास्टर लालटेन लिए उसी की तरफ आ रहे थे। उन्होंने आते ही कहा, साहब यहां कोई कुली नहीं मिलेगा। मनमोहन ने परेशान होकर कहा, मेरा सामान कौन उठाएगा। तभी एक व्यक्ति उनकी तरफ आया और बोला, मैं ले चलता हूं आपका सामान। हाँ? अब ठीक है ठीक है, जल्दी से उठाओ, मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है। स्टेशन मास्टर ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि सामान उठाते उस व्यक्ति ने कुछ संकेत किया। स्टेशन मास्टर चुप रह गया। सूटकेस सिर पर रखे वह व्यक्ति जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर निकला। उसने पूछा, क्या आप यहां पहली बार आए हैं? हां, मैं यहां एक विशेष व्यक्ति से मिलने आया हूं। मनमोहन ने उत्तर दिया। किससे? सूटकेस सीधा करते हुए उसने फिर पूछा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से क्या तुम उन्हें जानते हो? हां मैं जानता हूं। हां? पास ही रहते हैं। मैं आपको वहीं ले चलता हूं। उसने उत्तर दिया। समीप ही एक घर में पहुंचकर उसने सूटकेस एक ओर रख दिया, कुर्सी सामने रखी और कहा, बैठिए। कहिए क्या काम है? मैं ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जब मनमोहन ने यह सुना तो वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के चरणों में गिर पड़ा। कठिन शब्द। ईश्वर चंद्र,
ईश्वर चंद्र, विद्यासागर, विद्यासागर, स्टेशन, स्टेशन, लालटेन, लालटेन, विशेष, विशेष, संकेत, संकेत, व्यक्ति, व्यक्ति, चरणों, चरणों।